So where are we going for dinner tonight? मुझे टेबल बुक करना पड़ेगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं? ओ यार फिर वो बच्चों का खेल, मैं तुम्हें नहीं जानती, दफा हो जाओ एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं ना सोनू, चल एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। प्लीज डोंट डू दिस, आई सेड ना आई एम सॉरी। अब क्या घुटनों पे गिर गिराना पड़ेगा मुझे? गलती हो गई यार, हालत देखो मेरी, अब तो गुस्सा थूक दो प्लीज। लिसन, जो भी हो तुम, मेरे हस्बैंड बाहर मुझे लेने आए हैं। ओके, तुमने शादी कर ली? अब इस गम को भी सह लेंगे हम। बर्दाश्त बर्दाश्त ना सलीम ना, और भी गम इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी लेंगे हम, इस गम को भी पी लेंगे हम। Go to that room and go to sleep. सुनो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ बनाऊं? बिरयानी, चिकन। दूध तो होगा ना घर में? मैं लाती हूँ। मैं आए? सांप को दूध पिला रही हो बेटा? एक गिलास से जिंदगी नहीं सवर जाएगी मेरी। पुट बैक, वापस रख दो एकदम। इसे नौकर नहीं हो तू मेरी? ओके, मैं तुम्हें यहां लाई हूं, माइट बी अ वेरी बिग डील फॉर यू, पर मेरा कुछ नहीं जा रहा है। सो ये थैंक यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू वाला एटीट्यूड ना अपने ससुराल के लिए बचा के रखना। ओके प्लीज। वो अच्छा, चलो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। थैंक्स। Black or pink? Veronica, मैं सोच रही थी मैं कुछ दिनों के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो जाती हूँ। तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसे हैं? माँ बाप तो रहे नहीं, पर थोड़े पैसे जमा किए हैं मैंने। पर मेरे अनाप शनाप पैसे वाले पता नहीं कहाँ हैं, पर हर महीने मोटा जूसी चेक भेज देते हैं। I'm a rich bitch, you know, typical वाली। पर तुम तो जानती भी नहीं हो मुझे। यू नो, पैदा होने के टाइम पे अपने माँ बाप को भी नहीं जानती थी, साथ रहे तो भी नहीं जान पाई। सो हू केयर्स, यहीं रहो जब तक ये सब सॉर्ट आउट ना कर लो। टिल देन एवरीथिंग दैट्स इन द हाउस इज ऑन द हाउस, सो चिल। बट कुछ क्लियर नहीं है वेरोनिका, वो आएगा कि नहीं, जॉब भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और मैं तुम पे ऐसे पाइलॉन नहीं मार सकती। हेलो मिस पाइलॉन, कभी मैं कहीं फंस गई तो मेरी हेल्प नहीं करोगी? हाँ वो तो डेफिनेटली, बट तो बस ना हिसाब बराबर। नाउ व्हिच वन इज बेटर, ब्लैक और पिंक? पिंक। यक। Hi honey.
इतनी देर क्यों लगा दी आज? तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बगैर मैं कभी खाना नहीं खाता। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? टीवी देख रहा हूँ यार। अच्छा, और? और काउच पे बैठा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बीच बीच में आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये देखो, पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। Amazing. I'm oozing charm. What else? You really hate me, na? Yes, I really hate you. And I love that. ये जो feeling है तुम्हारी, ये hate वाली, it's so different. You know, आज तक जितनी लड़कियों से मिला हूँ मैं, मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान मिला है कि boring हो गया यार. But you, you're fab. Hi, babe. Hi. Use किया है? Veronica? तुम्हारी पैंट? घर में कभी मुझे पैंट पहने देखा है? पर ये? Don't worry, babe. रात को तो ये भी नहीं पहना था. क्लास किसके लिए? इंटरव्यू की कॉल आई है. What? सबसे बड़ी ग्राफिक्स डिजाइन कंपनी से. एंड आई थिंक उन्हें मेरा काम पसंद आया. यू थिंक? आई न्यू इट. अमेजिंग. नाइस फ्लावर्स बेब. गुड वन बेब. चल कम. ओ कम ऑन यार, डोंट फील शाय. कम. एक माहौल तो ऐड करता है वो घर में. Speak of the devil. Perfect description. Yes? It's me. कौन me? वही me जो ठीक 5 मिनट में यू के साथ नॉटी होने वाला है. My booty pie. Booty pie? Okay. I agree, थोड़ा cheesy है. कुछ तो है यार, मस्ती में रहता है. मस्ती में तो सुअर भी रहता है. Rolling in shit all day. ओके वैसे एक और क्वालिफिकेशन है. ही इज ऑसम इन. जी ये इन्फो मुझे नहीं चाहिए थी. ओके यू नो व्हाट एल्स? मैं बताती हूँ व्हाट एल्स. गौतम कपूर ना वो टिपिकल टाइप का कीड़ा है जो तुम्हें यूज करेगा. फ्री में हमारे तुम्हारे घर में रहेगा, इसी सोफे पे लेट के तुम्हारे पैसों का पॉपकॉर्न खाएगा और एक फूटी कौड़ी भी ना इस घर में नहीं देगा. मीरा जी, विरूपा जी, बनिए की दुकान साफ हो गई है. दिमाग तो सही है तुम्हारा. कम ऑन यार, कुछ ही दिनों की तो बात है. कुछ ही व्हाट? मैं पूरी कोशिश करूंगा उनसे तुम्हें दूर रखने की. मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा. अच्छा इंसान बन जाऊंगा. गौतम ये पॉसिबल ही नहीं है. ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मैं बन के दिखाऊंगा. नो इडियट, ये ड्रामा एक्टिंग, ये पॉसिबल नहीं है. शिट, पर अब मैं कैसे? यार मुझे शुरू होने के पहले ही खत्म कर देना था. दैट्स राइट, अब बहुत देर हो चुकी है. अब तो तुम्हें मेरी लवर बनना ही पड़ेगा. ये लकी गर्ल. प्लीज 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 मीरा, मेरी बैंड बच जाएगी यार. प्लीज. ओके ओके कम ऑन यस. ओके पर पकड़े गए तो? अरे जेम्स बॉन्ड भी नहीं पकड़ पाएगा तुझे, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है तू. और सपोर्टिंग कास्ट भी तो तगड़ी है. हाँ रिलैक्स कर जा, सब सेट है. एक्चुअली अपनी शादी में तो किया है ये सब. वही अगर इधर अप्लाई कर दूं तो. थैंक गॉड फॉर योर शादी. सॉरी यार. इट्स फाइन. मैं जानती हूँ मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो लड़कों की मम्मियों को पसंद आए. मम्मियों से ज्यादा लड़कों को, आई एम श्योर. हाँ हाँ, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया. व्हाट? छोड़ो, लेट्स गो. तुम्हें लगता है कि व्हाट?
Hey. It's not your business. Listen. तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कोई कमी है इसलिए वो मैंने कहा ना इट्स नॉट योर बिजनेस और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है ओके हुआ क्या फ्रॉड है सर शादी का धंधा चलाता है तुझे लूटने के लिए शादी की उसने और पता नहीं और कितने को खसोट चुका होगा गॉड और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई कमी है इसलिए वो तुम्हें छोड़ गया आर यू मैड मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है बात आई समझ मगर मुझे इस बारे में बात करनी है बात आई समझ क्यों पीछे पड़े हो यार क्योंकि तुम बेवकूफ हो और इंटेलिजेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ बैठ के मुझे कुछ फंडे दे दोगे और मेरी जिंदगी बदल जाएगी करेक्ट मन बुद्धि बड़ी गंभीर बीमारी है भाई जान लेवा हे राम अब क्या होगा मेरा डोंट वरी मैं हूं ना डॉक्टर गौतम सब ठीक कर देंगे थैंक गॉड फॉर डॉक्टर गौतम आप कितने अच्छे हैं और स्मार्ट भी यू सो कूल यू माय फेवरेट अरे नहीं नहीं अरे हाँ हाँ और ऊपर से सो हैंडसम इंटेलिजेंस एंड गुड लुक्स और वो भी इतनी मात्रा में माय माय मैंने कैसे किया अरे यार अब मैं ऐसा ही हूँ लेकिन तुम भी कुछ बुरी नहीं हो अकल भी है थोड़ी बहुत और दिखने में भी ठीक ठाक हो अरे नहीं नहीं अरे हाँ हाँ अरे भाई तजुर्बा है अपना एक्चुअली मैं यहाँ तो कहूँगा कि हॉट हो तुम हॉट रियली आपको सच्ची लगता है मैं हूँ अरे डर लगता है मुझे कि कहीं टच हो गई तो जल ना जाऊँ मैं वाओ कितने ओरिजिनल भी हैं आप पोस्ट कार्ड शॉट है तुम्हारी यहाँ ख्वाब दिखा देती हैं लोगों जो भी इन्हें देखता है अपने आप को ढूंढता है और जो होंठ है ना तेरे एक बार जो इन्हें देख लेता है बाद में सोचता है रात को सोचता है और तुम्हारी स्माइल सोशल सर्विस है तुम्हारी स्माइल मीरा देखो देखो टेंशन कम हो रहे हैं दुनिया में इतने सारे कपड़े पहनती हूँ लेकिन सोचने वाला सोचेगा ना कि वो क्या है जो तुम छुपा रही हो जैसे तुम्हारी कमर जिसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है कैसा लगी उसे छूने बस और नहीं कहना चाहिए वरना तुम फिर से नीचे देखने लगोगे ठंड लग रही है तुम्हारे हाथ दिल करता है कि पकड़ लूं मगर डर भी लगता है क्योंकि एक बार जो इन्हें पकड़ ले वो सलाह कभी छोड़ नहीं पाएगा Really good. है ना? तभी लड़कियां पड़ती है तुमसे कमाल हो यार तुम पर आज तो कमाल ही हो गया यार ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी Really? नेचुरल हो गया ना जो फील करता गया बोलता गया तुम भी ट्राई करो कभी तुम्हें ट्राई करने की क्या जरूरत है इतनी ब्यूटीफुल हो कि तुम्हें देखते ही लोग गिरते होंगे यहाँ वहाँ अरे नहीं नहीं अरे हाँ हाँ अच्छा हाँ। तो फिर तुम क्यों नहीं गिरते गिर गया ना सो सिंपल ड्रंक ओह या जस्ट फीलिंग ब्यूटीफुल जाना पड़ेगा ना यार इतना मजा आ रहा था खैर चलो फिर
मिस्टेक था यार, पिए हुए थे तुम, लोनली मैं कैरेक्टरलेस, बस हो गया। अब आगे थोड़ी ना ये सब करना है, एक दूसरे के टाइप के भी नहीं है, एक्चुअली कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं एक दूसरे को, और देखा जाए तो आई एम वेरोनिकास गाय और तुम बीवी हो किसी और की, फॉर गॉड्स सेक। तो मच्चो तरीके से हैंडल करते हैं, जैसे पहले था वैसे ही चलने देते हैं और ये सब भूल जाते हैं, है ना? राइट ना? हाँ। गुड, थैंक गॉड सब क्लियर हो गया। देखो देखो क्या हो रहा है, यही अवॉइड करना है, यही। ये सब तुम्हारे लिए एक जोक है ना, आदत हो गई होगी ऐसी सिचुएशंस की। काश मैं भी तुम्हारे जैसी होती, लाइफ कितनी सिंपल होती यार। यू नो मीरा, आज तक मैं भी। प्लीज गौतम, अब इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं एक दूसरे से और टाइम के साथ सब भूल जाएंगे। अब ये शकुंतला मोड में मत चली जाओ, वेरोनिका और मेरे बीच कुछ सीरियस नहीं है, सब पहले से ही क्लियर रहा है। गौतम, मेरे लिए सिर्फ ये क्लियर रहा है कि तुम लोग एक ही रूम में रहते हो और एक टूथब्रश यूज करते हो। सही गलत नहीं बोल रही हूँ, शायद डिफरेंट हूँ मैं, देसी गवार, बट सॉरी ये सब समझने की कैपेसिटी नहीं है मेरी। तो मैं समझाता हूँ, देखो हम लोग फ्रेंड्स हैं and we also enjoy... यार मैं समझना ही नहीं चाहती गौतम। अच्छा बाबा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ वीरूपा जी को, वो खुश होगी हमारे लिए, और देखना जैसे ये सुनेगी सबसे पहले बोलेगी लेट्स पार्टी। हाँ राइट, और फिर तुम अपना सामान लेके उसके रूम से मेरे रूम कूद जाओगे, and then we'll also enjoy, है ना? Excuse me. कहाँ जा रहे हो? दूरी एक दूसरे से। Veronica. Hey, what's up? मीरा कहाँ है? Here. Good. चलो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। Please sit down. sit. वो क्या है ना, बात करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बड़े बड़े देश एक छोटी सी टेबल पर बैठकर परमाणु हथियार और विश्व आतंकवाद टाइप के भयंकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो क्या हम आज इस टेबल पर बैठकर एक छोटी सी इश्यू को सॉल्व नहीं कर सकते? What's going on, you nut? हम तीनों के बीच में कुछ बातें चल रही और मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें यहाँ साफ साफ रख दी जाए, वरना वही छुपना छुपाना, पकड़े जाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और दूर हो जाओ मेरी नजरों से टाइप के घटिया डायलॉग्स और थके हुए सीन्स होने लगे। गौतम एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। आप बात ही कर रहे हैं ना? What's going on, guys? मीरा। Okay. You love me, I love her. लो बोल दिया। हाँ? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ अब बताओ करना क्या है, और तुम्हारी वजह से एडमिट नहीं करेगी, बट शी लव्स मी टू। वाओ, नाउ दैट्स रियली समथिंग, इजंट इट? हु वुड हैव थॉट ऑफ दैट? मीरा, भागने से कुछ नहीं होगा। मीरा कहो तो, मैंने कहा था तुम्हें। रिलैक्स यार, वी आर ऑल फ्रेंड्स हियर। आर यू सीरियस? यू लव हिम रियली? गलती हो गई थी, पर अब कभी। उसे गलती ऑलरेडी हो चुकी है। नॉट लाइक दैट यार। मैं? मीरा रुको, क्या बच्चों जैसा कर रही हो? तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था भूल जाओ। और नहीं भूल सकता, ओके? और तुम्हारी तरह भूलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता, तो बताओ क्या करना है? वेरोनिका, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता?
इनफैक्ट यही तो होना चाहिए. दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी टुगेदर ना. और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए. बट एनी वे आई विल कंसोल यू. किसी एक को हारना ही था ना. अनफॉर्चुनेटली इट्स मी यार. वो डैडी ब्राइडल मैगजीन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया. बट इट्स फाइन गाइज, लाइफ गोज ऑन ना. कम ऑन नाउ. बस वीरूपा जी बस, वरना अब तेरे प्यार में पड़ जाऊंगा रे. इतनी देर से मेरा दिमाग फट रहा था. 100 pounds की दारू पी गया मैं. बट वरोनिका यू हैव इंप्रेस्ड मी मैन. यू नो मैं भी एक्चुअली काफी इंप्रेस्ड हूँ अपने आप से. यस पार्टी गाइस. या डोंट यू. डलिया डोल रही है. डलिया नहीं टोकरा. डलिया टोकरे में क्या फर्क है. वही जो कैटरीना और करीना में. कौन हो तुम? तुम कौन हो? हैप्पी. कौन हैप्पी? हैप्पी वो एडवोकेट मजीद की भतीजी. नहीं उसका तो इंतकाल हो गया. अच्छा अच्छा. तो ज्यादा बकवास की जरूरत नहीं है. गुड्डू को बुलाओ. गुड्डू? कौन गुड्डू? वो गुड्डू वो हमारे मालिक का पोता नहीं है. गुड्डू? नहीं नहीं वो तो हवालात में है. अच्छा. ए एज की रिस्पेक्ट रखी हुई है तो सर चढ़ी जा रही हो. गुड्डू को बुलाओ सीधी तरह. अरे फिर गुड्डू अजीब ढीठ लड़की हो. कौन है यार ये? कहाँ ना हैप्पी. तू क्या चाहिए? अरे कहाँ ना गुड्डू. कहाँ है वो? अरे गुड्डू होगा अपने घर. यहाँ कोई गुड्डू नहीं है. तेवर कंट्रोल में लाओ और सीधे मुँह बात करो. उसमें क्या कर रही थी तुम? मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का. पता नहीं किस चिड़िया घर में ले आए हैं. का है वो साला विंकल? हाँ विंकल नहीं. अब ये साला विंकल कौन है यार? कभी गुड्डू कभी विंकल. पागल वागल हो क्या? अच्छा जी तो तुम विंकल को भी नहीं जानते? तो किसके लिए काम करते हो तुम सब? हाँ बॉस कौन है तुम्हारा? देखो लड़की, जनाब सीनियर की शान में कुछ गुस्ताखी की ना तो बहुत बुरा होगा. जनाब सीनियर? कहीं तुम लोग बग्गा के आदमी तो नहीं हो? बग्गा? कैसा बग्गा? कौन सा बग्गा? ये मेरे अब्बा जावेद अहमद का घर है. एक्स गवर्नर का घर है. इडियट. अब मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से. जा रही हूँ. स्टुपिड. मामू प्लीज इसे बाहर निकालें वरना आपा खोलूंगा मैं अपना. चलें चलें. लाहौर के किस पागल खाने से छूट के आई है? पागल खाने से नहीं, पागल खाने में आई हूँ. लाहौर? ये लाहौर बोल रही है कि लाहौर पढ़ रही है? ये लाहौर है. लाहौर है मतलब? मैं कूदी विंकल के फूलों वाले ट्रक में. कैसे? वो भी लाहौर? तुम हिंदुस्तानी हो? ये पाकिस्तान है. बेड़ा गर्क. तुम दुल्हन के लिबास में अमृतसर से लाहौर इंडिया से पाकिस्तान आ गए हो बिना पासपोर्ट के बिना वीजा के और वो भी जावेद अहमद के घर में. तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है? क्या किया है? अब तुम शिट. इसको अभी के अभी डिपोर्ट नहीं करवाए ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी. ओए फोन कब मिला रहा? अरे छोड़ दे. ये क्या कर रहे तुम? डिपोर्ट हो गई तो बाऊजी के वाले कर देंगे और वो मेरी शादी बग्गा से. मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहती. तुम नहीं चाहती? तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? मोहतरमा ये पाकिस्तान है. अगर मेरे अब्बू को मालूम पड़ गया तो मेरे लिए इस सेहतमंद औरत के लिए और इस मजलूम आदमी के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा कब्रिस्तान. तुम इंडिया जाओगी अभी इसी वक्त. एक बार मोबाइल दे दो. जनाब जूनियर, अगर जनाब सीनियर को भनक भी लग गई तो गजब हो जाएगा. मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मामू. अब जरा उस बला को शट अप करें तो बहुत मेहरबानी होगी. विल यू शट अप? आपने तो मार्केट कहा था बीबी जी. अरे रोक ना यार. कितने? मैं तो मार्केट कह लूंगा बीबी जी. 30 rupees. ये लो. गांधी जी लाहौर में. एडजस्ट कर लो. सीधे सीधे जीना की फोटो वाले नोट दें और जान छोड़े मेरी. पकड़ो और कुछ पाकिस्तानी नोट मुझे दे दो. इस नकली कंगन का मैं क्या करूंगा? मुझे मेरे 30 rupees दें. एक तो सोना मुफ्त के मोल दे रही हूँ फिर अकड़ रहा है. अरे देता है नोट या शोर मचाऊं? हाँ मुझे मेरे पैसे दीजिए. जा मत दे नोट. अरे ऐसे कैसे? अरे मेरा दिमाग ऐसे ही घुमा हुआ है. आज की तारीख में लेके जाऊंगा अपने पैसे. मैं कह रही हूँ.
हट जा, आपने तो थप्पड़ जड़ते रहे। मामला क्या है जनाब? ऑटो का किराया नहीं दे रही है और खुद मुझसे पैसे मांग रही है। एक मिनट, जरा वो नोट दिखाएं। हाँ हाँ, महात्मा गांधी, काश महात्मा गांधी पाकिस्तान में होते। ये मेरा नहीं है, किसका है? कितनी झूठी लड़की है। तोबा तोबा। हाँ एक मिनट, ये इंडियंस हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझते हैं। जासूसी की कोई नई तरकीब निकाल कर भेजा गया ना तुम्हें औरत? सर मैं पाकिस्तानी हूँ, यही रहती हूँ पास में। कहाँ? बलीमारा की गली में। बलीमारा? ये तो कुछ सुनी सुनी सी गली लग रही है। वही तो, यही लाहौर में ही है। लाहौर में नहीं है, दिल्ली में है। अरे मिर्ज़ा ग़ालिब का मोहल्ला है। काश की मिर्ज़ा ग़ालिब भी पाकिस्तान में होते। जनाब हमारे पास अल्लामा इकबाल है। कौन? अल्लामा इकबाल। हाँ यकीन है ना लड़की, अब तुम ये समझो कि तुम्हारे जरिए हमें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा करने का मौका मिल रहा है। एक इंडियन जासूस को पकड़ने की जो कसक थी वो कहीं आज जाकर पूरी हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद जनाब, जासूस को जीप में बैठा। जनाब। ओए उस्मान अफरीदी, शायद के चाचा हो, जानते हो किसे गिरफ्तार कर रहे हो? लाहौर की सबसे रिस्पेक्टेड घर की गेस्ट हूँ मैं, जावेद अहमद, एक्स गवर्नर। नाम सुना है? तो क्या तुम जनाब सीनियर की? सीनियर नहीं, जूनियर। उनके बेटे की मेहमान हूँ मैं, और वो भी स्पेशल गेस्ट। अमजद जनाब, जरा जासूस को बड़े लिहाज के साथ जीप में बैठाओ। जनाब। आए बीबी, जीप में बैठे। मोबाइल है तेरे पास? ओए अफरीदी, बहुत पछताएगा अफरीदी, मुझे फोन नहीं दिया ना कॉल करने के लिए। तेरे उस जनाब जूनियर से कह के वर्दी उतरवा के बच्चों के पाप में भूखे ना बिकवाए तो हैप्पी नाम नहीं। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझे इंडिया एक कॉल करने दे वरना तेरा दाना पानी उठवा दूंगी लाहौर से। सुन रहा है तू? तुझे आइडिया नहीं है तेरा जनाब जूनियर कितना मानता है मेरी, उंगलियों पे नाचता है उंगलियों पे। अभी भी मौका है वर्दी बचा ले वरना लाहौर से सीधे काबुल करवा दूंगी तेरा ट्रांसफर तालिबानियों के बीच। और तुझ चलो, देखो एक चलो गाड़ी में बिठाए इन्हें और दो चार लोग और ले जाए, भाग जाती हैं। जनाब जूनियर, आखिर लाहौर के दामन में ये हिंदुस्तान का कौन सा फूल खिला रहा है? अफरीदी ये फूल नहीं भूल है जो अबू की इज्जत को धूल में मिला सकती है। बात बाहर आ गई तो गली मोहल्ले में नहीं इंटरनेशनल लेवल तक बेइज्जती हो जाएगी। कम आउट बिलाल। जो पहले बाहर आओ। मुझे देखकर भागे क्यों? और ये कौन है? ये आम, ये हैप्पी है। वो तो दिख रही है लेकिन मैं इसका नाम पूछ रही हूँ। इसका नाम ही हैप्पी है। तो ये हैप्पी तुम्हारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर क्या कर रही है? क्या कर रही है? हे यू, कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुमने ये शादी का ड्रेस क्यों पहना हुआ है? तो शादी के लिए क्या नाइटी पहनती? What? बिलाल ये क्या कह रही है? ये क्या कह रही हो? Actually सही कह रही है। एक मिनट मैं समझाता हूँ, प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हाउ डेयर यू, व्हाट इज दिस? गाड़ी में बैठ जा, मैं सब बता दूंगा। ओके प्लीज। ये फ्रंट सीट मेरी है, उतरो यहाँ से और पीछे जाकर बैठो नाउ। इससे शादी कर रहे हो तुम? मेरी मानो गले में बड़ा सा पत्थर डालकर झेलम में कूद जाओ। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैं काम छोड़ रहा हूँ। मुखोल, बात करनी है मैंने। कौन मैं? हाँ हाँ तू। सुन लड़की। मैं सुनू? हाँ मैं सुनू। साले तू सुन, एक बार हाथ खोल दे तेरा और तेरे इन टंडों का हल बना के खेत ना जोत तू तो हैप्पी नाम नहीं मेरा। मैनू चक्के ले आए हो? हाँ मैनू चक्के ले आए हो? तुम सालों को आइडिया नहीं तुमने क्या किया है। और तू
सड़े हुए तरबूज, तू लीडर है ना इनका, खेत छोड़ने थे जा, अट दस मुठे और इकट्ठा कर ले, जे मेरे हट खुल जाने है ना, ते तुम काफी नहीं हो एक दूसरे को बचाने के लिए, और तू क्या देख रहा है, बंद कर इसका, छुट्टी से मैच होने, अरे बंद करना, जे फिर मेनू टच किया था ना, देश अगर क्या करें, भंगड़ा डाल, गधा कहीं का, किसी भी हालत में मुंह नहीं खुलना चाहिए इसका, समझ में आई, जूस पानी जो कुछ चाहिए कपड़े में होल करके स्ट्रो से पिला, जला भाई को फोन कर और बोल 8 10 12 जितने लड़के सब मंगवा ले, मुंह नहीं खुलना चाहिए इसका।